Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next topic of pathology of male genital system, that is prostatitis. As the name indicates, this is the inflammation of prostate. Prostate gland, देखिए आप जानते हैं male के अंदर पाई जाती है. उस ग्लैंड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए किसी इन्फेक्शस एजेंट या किसी दूसरी कंडीशन की वजह से, इन्फेक्शस एजेंट में बैक्टीरिया, फंगाए और माइकोप्लाज्मा इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई दूसरी कंडीशन जैसे यूरिथ्रल स्ट्रक्चर यानी नैरोइंग हो गई हो यूरिथ्रा की, या प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया जिसमें प्रोस्टेट का जो प्रोस्टेट की सेल है उसका नंबर बढ़ जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो जाएगा और इस कंडीशन को हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं. ओवरऑल प्रेवलेंस देखें तो मेन में 5% केसेस में देखने को मिलता है, जबकि इसकी हायर रिस्क 20 से 50 और 70 तक की इसकी रिस्क एज होती है. क्लासिफिकेशन, ये एक्यूट बैक्टीरियल टाइप 1, क्रॉनिक बैक्टीरियल टाइप 2, क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस और क्रॉनिक पैल्विक पेन सिंड्रोम टाइप 3, या एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटाइटिस टाइप 4, मतलब 4 टाइप की ये हो सकता है इसको क्लासिफाई अगर अपन करें तो. एक्यूट और क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस जनरली किसी ऑर्गेनिज्म जो किसी रूट से प्रोस्टेट ग्लैंड तक, किसी भी एक रूट से जो नीचे दिए गए उनमें से किसी भी एक रूट से अगर प्रोस्टेट तक पहुँच जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोस्टेट में इन्फेक्शन करके इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे. अब ये रूट्स कौन कौन से हैं भाई? अपवर्ड डाउनवर्ड रूट हो सकते हैं. अपवर्ड रूट में यूरिथ्रा से असेंडिंगली बैक्टीरिया जो है नीचे से ऊपर तक चला गया, जबकि डाउनवर्ड में वो ब्लैडर से प्रोस्टेट तक जाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे तक जा रहा है, और इन्वेजन ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक चैनल के द्वारा हो सकता है. तो ये दो तरह से इन्फेक्शन जो है वो प्रोस्टेट में कॉज हो सकते हैं बैक्टीरिया के. अब कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते हैं? तो ई कोलाई, क्लैपसिला, सुडोमोनास, एंटीरोबैक्टर, प्रोटियस, नाइजीरिया, गोनोरी और ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं. क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस में इन्फेक्शन के रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे होते हैं, बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, उसको अपन क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं. ये क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस एक न्यू टर्म है जो कि एक सिंड्रोम को डिस्क्राइब करती है जिसमें प्रोस्टेट के साथ साथ में यूरिनरी पेन भी हो रहा होता है, ऑब्वियस इन्फेक्शस प्रोसेस के एब्सेंस में भी. तो उसके लिए अपन सीपी या सीपीपीएस टर्म यूज़ करते हैं. इसकी हालांकि हमें कारण नहीं पता, इटियोलॉजी हम नहीं जानते हैं, पर फिर भी माना जाता है कि ये सीपी कंडीशन जो है वो एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जुड़ी हुई है. एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटाइटिस को हम डायग्नोस कर सकते हैं उन इंडिविजुअल में भी, या डायग्नोस किया जाता है उन इंडिविजुअल में जिनमें सिम्टम नहीं दिख रहा होता है पर फिर भी प्रोस्टेट का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में पाया जाता है, तो फिर उनमें हमें डायग्नोस करना पड़ता है. इसके सीएम क्या क्या हैं भाई? पेरिनियल पार्ट के अंदर पर्सन को डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यूरिनेशन के दौरान बर्निंग जलन मच रही होती है, अर्जेंसी बार बार यूरिन पास की इच्छा हो रही होती है, और फ्रिक्वेंसी यानी नंबर जो है यूरिनेशन का वो बढ़ जाता है. तो इस तरह से यूरिनेशन का पूरा प्रोसेस जो है उस पर्सन के अंदर डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इसमें पेन वगैरह कॉज हो रहा होता है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा होता है, इस वजह से जो है हेजिटेशन भी पर्सन के अंदर जो है वो कॉमनली देखा जा रहा होता है. तीसरी कंडीशन में इजैक्यूलेशन के दौरान पेन हो रहा होता है मेल के अंदर. ये कंडीशन मेल से जुड़ी हुई है कि इजैक्यूलेशन जो इंटरकोर्स के दौरान प्रोसेस चलता है उसमें भी पेन की फीलिंग उस पर्सन को आ रही होती है. प्रोस्टेटोडाइनिया यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में पेन होना, प्रोस्टेटोडाइनिया. इसके अलावा अचानक बुखार चढ़ जाता है, कंपकंपी छूटती है, पेरिनियल रेक्टल और लो बैक में पेन होने लगता है, एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के केस. यूरिन सिम्टम में यूरिन पास में डिफ़िकल्टी होती है,
उसमें बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी कंट्रोल रखा नहीं जाता है। नॉक्टूरिया रात को यूरिन पास करने का अमाउंट जो है और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है कुछ पेशेंट्स में, जबकि कुछ पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं भाई? हिस्ट्री कलेक्शन कर लीजिए, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हो, प्रोस्टेट फ्लूड या टिश्यू का को कल्चर भी कर सकते हो, टिश्यू को हिस्टोलॉजिकली एग्जामिन भी कर सकते हो, यूरिन को एनालाइज कर सकते हो, उसको कल्चर करके उसमें बैक्टीरिया देख सकते हो, CBC करवा सकते हो, MRI करवा सकते हो और ट्रांस एब्डोमिनल USG भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में ऑब्वियस एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग हो रही है, यूरिन रिटेंशन पास होने में, क्योंकि यूरिन को पास करने में दिक्कत आ रही है, पेन वगैरह हो रहा है तो यूरिनरी रिटेंशन होगा, एपिडिडाइमाइटिस का इन्फ्लामेशन, बैक्टीरिया ब्लड में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और पाइलोनेफ्राइटिस, तो टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। बस इतना ही है प्रोस्टेराइटिस, तो इसके साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं अपन। थैंक यू क्लास।